हेलो मॉम्स एंड चिल्ड्रन, प्रीति इज बैक अगेन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ वेयर, वेयर और वेयर, या हम कुछ और बोलेंगे। चलिए हम वीडियो में देखते हैं, आप लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ जैसे मैंने ये लिखा है वेयर, WEAR, राइट। तो इसे हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे, वेयर वेयर वेयर, राइट। वेयर मतलब य को हम कम थोड़ा साउंड बोलेंगे, हम लिखे हैं वेयर बट हम वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर। वेयर मीन्स पहनना, राइट। जैसे हम इससे एक सेंटेंस देख लेते हैं, आई वेयर डिजाइनर क्लॉथ्स, मैं डिजाइनर क्लॉथ्स पहनती हूँ, राइट। मान लीजिए आप हमेशा डिजाइनर क्लॉथ्स पहनते हैं तो आप क्या बोलोगे, आई ऑलवेज वेयर डिजाइनर क्लॉथ्स, मैं सिर्फ डिजाइनर क्लॉथ ही पहनती हूँ या हमेशा डिजाइनर क्लॉथ ही पहनती हूँ। तो इस तरह से इसका यूज होता है, WEAR, वेयर। योक का साउंड हम थोड़ा कम बोलेंगे लेकिन हम लिखेंगे हिंदी में। देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप दोनों को समझते हुए आप प्रोनाउंसिएशन ले सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग प्रोनाउंस करने का तरीका होता है, राइट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी है वेयर, ये भी, बट स्पेलिंग इज डिफरेंट, ठीक है ना। बट प्रोनाउंस जो हम करेंगे, क्या करेंगे, सेम। इसका क्या होगा, वेयर वेयर, बट स्पेलिंग डिफरेंट है। तो वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। जैसे इससे एक सेंटेंस देख लेते हैं हम फटाफट, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इस तरह से वेयर का यूज होता है। वेयर आ गया आपका, जहाँ भी आप लगाओगे तो वहाँ क्वेश्चन मार्क देना आप मत भूलना, वेयर से अगर सेंटेंस बना रहे हो। वेयर मीन्स कहाँ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। अब हम देख लेते हैं लास्ट, वर वर, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मैंने कहा था लास्ट तक आप वीडियो देखिए, वर वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर नहीं बोलना है। बट देखिए WEAR स्पेलिंग इज डिफरेंट एंड प्रोनंसिएशन भी डिफरेंट है, इसे हम बोलेंगे वर। बहुत लोग वेयर बोलते हैं, वर मीन्स थे, पास्ट टेंस, राइट। देखिए क्या मैंने सेंटेंस बनाया, वी वर स्लीपिंग, हम लोग सो रहे थे। बहुत लोग बोलते हैं वी वेयर स्लीपिंग, तो वेयर इज नॉट करेक्ट, राइट। तो आएगा आपका वी वर टॉकिंग, क्या होगा, वी वर टॉकिंग, इस तरह से आप बना सकते हो। तो इसे हम क्या पढ़े, पहला हमने WEAR को पढ़ा वेयर, WHEAR को पढ़ा वेयर, बट जब WEAR आया तो हमने क्या पढ़ा, वर। आई होप आपको क्लियर होगा, और अब से आप नेक्स्ट टाइम से वर बोलेंगे, वेयर नहीं, राइट। ये एरो दिया गया है, आप इसे कुछ और ना समझे, एरो है ये, एकार की मात्रा वगैरह कुछ नहीं है, वर ओनली, थे, राइट। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।